जो लोग जेल ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं उन सब लोगों को ही ये मैंने डीवीडीज दे देनी है अगर मेरा मूड बन गया। यार जेल ब्रेक में आप हैकिंग की न्यूज़ तो सुनते रहते हो, अगर आपने रियल लाइफ में हैकिंग करनी है तो वॉच डॉग्स वन ऑफ द बेस्ट गेम है। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ज़ैद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी गेम्स की कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। यार ये वो गेम्स नहीं है जो पायरेसी के थ्रू हम जेल ब्रेक करके करते हैं, ये वो गेम्स हैं जिनको पैसे लगा के बाय किया गया है। और इस रमजानुल मुबारक में बड़े एक्साइटिंग किस्म के मेरे माइंड में आइडियाज आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन डीवीडीज को आपके लिए फ्री गिव अवे कर दूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी हो सकता है इसके ऊपर आए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी सजेशन के ऊपर। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं गिव अवे करूँ इन डीवीडीज को, आप लोगों को दूँ, तो आपने कमेंट्स में आके लाजमी बताना है। डेफिनेटली आपकी राय को कंसिडर किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसी से रिलेटेड लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा क्या क्राइटेरिया होगा डीवीडीज को आप तक पहुँचाने के लिए, फ्री गिव अवे करने के लिए। तो यार आज के लिए आपको मैं अपनी कलेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हैं जी मेरे पास गेम्स। डेफिनेटली पहले मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि मैं अफोर्ड कर सकूँ इन डीवीडीज को, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं ये। अब मेरे पास पैसे कुछ ना कुछ होते हैं, आप लोगों के लिए मैंने इसको बाय कर दिया ताकि आपके लिए एक्साइटिंग किस्म का कंटेंट लेके आऊँ। तो यार यहाँ पर जो मेरे पास पहली गेम है जिसको मैंने बाय किया है, ये है मेरे पास जी डूम। इस गेम को आज तक मैंने खेला नहीं हुआ, आप लोगों ने अगर खेला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कैसी है। डेफिनेटली इसको मैं खेलूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। नेक्स्ट गेम आ जाती है एंथम। इस गेम को भी मैंने नहीं खेला, ये गैलेक्सी के अंदर इसका मेन थीम है। थोड़ा सा मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मुझे एक्साइटिंग लगी, इस वजह से इसको मैंने बाय किया है। उसके बाद आ जाती है मेरे पास मैड मैक्स। जिस बंदे ने भी मैड मैक्स मूवी देखी हुई है उसे पता है कितना ज़्यादा एक्शन है उस मूवी के अंदर, और वही वाली चीज़ इसमें डिपिक्ट करके दिखाई है। यार इसमें आपको जो कार्स दिखाई देती हैं बड़ी शानदार मॉडर्न किस्म की कार्स होती हैं, और इसमें जो शूटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास, यार ये मैंने ले तो लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मैं करूं क्या। रैकेट क्लैंक, ये बच्चों वाली गेम लग रही है मुझे तो। अगर मेरी गिव अवे की सीरीज़ आई तो डेफिनेटली किसी बच्चे को ये मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस गेम को खेल पाऊंगा। नेक्स्ट गेम आ जाती है स्टार वार्स बैटल फ्रंट। ईए की गेम है, ईए के टाइटल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा तकड़े होते हैं। आपने अगर खेली हुई है तो यार बताओ कैसी है, मैं भी इसको खेलूँगा। नेक्स्ट आ जाती है अनटिल डॉन, वन ऑफ माई फेवरेट गेम भाई, हॉरर गेम है। इसको जिस बंदे ने भी डरना है गेम खेलते हुए, गेम को खेल लो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती हैं, आपके मेन करेक्टर मरते जाते हैं और एंड में शायद कोई भी नहीं बचता, क्योंकि मैंने एंड नहीं किया तो मुझे इसका नहीं पता, मैंने थोड़ी सी खेली थी। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स 4। कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज 1, 2, 3 और उसके बाद आती है 4। जिसने वो वाली सीरीज़ खेली हुई है लेकिन 4 नहीं खेली, डेफिनेटली उनको खेलना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन शूटर में काफ़ी ज़्यादा इस गेम का नेम है। आप बताओ यार आपने खेली है, कैसे हैं इसके ग्राफिक्स, तो मैं भी कंसीडर करूँगा इसको खेलना। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स कोल्ड वार, ये तो मैंने खेली है यार। इसकी स्टोरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटी है, आप चाहो तो एक दिन में भी इसे एंड कर सकते हो, लेकिन इसके ग्राफिक्स और ओवरऑल अगर देखा जाए स्टोरी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ओए गिरना चाहिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी। इसको सब लोगों ने ही खेला हुआ है, चाहे मिडल एज के लोग हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबकी फेवरेट है। GTA रॉकस्टार की सबसे बेहतरीन गेम्स में से एक गेम है, और ये तो भाई मैंने इसका 2 times एंड किया हुआ है ऑलमोस्ट। एक बार तो फुल एंड कर दिया था, दूसरी बार फुल एंड नहीं किया, लेकिन यार कमाल की गेम है। आप बोरिंग फील कर रहे हो, आप पैसिमिस्टिक अप्रोच में गए हुए हो, तो इस गेम को चला लो, आपका मन बहल जाता है। नेक्स्ट वीडियो गेम आ जाती है मेरे पास क्रू 2 रेसिंग में नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड को कहीं ना कहीं ये बीट करती है, और इसमें एक अलग ही लेवल का आपको रेसिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बेहतरीन गेम है यार ये। वॉच डॉग्स 2, यार जेल ब्रेक में आप हैकिंग की न्यूज़ तो सुनते रहते हो, अगर आपने रियल लाइफ में हैकिंग करनी है तो वॉच डॉग्स वन ऑफ द बेस्ट गेम है। वॉच डॉग्स 1, वॉच डॉग्स 2, अब तो वॉच डॉग्स लीजेंड्स भी आ गई है, लेकिन ये वॉच डॉग्स 2 काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्साइटिंग गेम है। मैंने इसका एंड किया हुआ है और इसको मैंने बाय किया था। नेक्स्ट गेम है जी कलेक्शन में मेरी डेज गोन एडवेंचर है यार। इसमें ज़ोंबीज भी हैं और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी एक्शन से भरी हुई गेम है। डेफिनेटली आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसके ग्राफिक्स, यार मेरी जो जितनी भी गेम्स हैं थर्ड पर्सन में मुझे सारी की सारी पसंद हैं।
आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको थर्ड पर्सन गेम्स पसंद है या नहीं। नेक्स्ट अगेन आ गई है GTA V, देख लो यार मेरा इस गेम के साथ लव के मैंने 2-2 DVDs इसकी बाय करके रखी हुई हैं, और डेफिनेटली अगर गिव अवे वाली मैं सीरीज़ को लॉन्च करता हूँ तो आपको एक गेम तो मैंने डेफिनेटली GTA V की दे ही देनी है। नेक्स्ट गेम आ जाती है मेरे पास है जो द डिवीजन, यार कूल गेम है, ग्रेट गेम है, बेस्ट गेम है थर्ड पर्सन शूटर में, इससे अच्छी गेम मुझे नहीं लगता कि कोई मैंने खेली हुई है, तो ग्रेट गेम है ये भी। अब आ जाती है जी कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी का ही ये वेरिएंट है और फर्स्ट पर्सन शूटर में है। इसको आपको सही बताऊं तो मैंने लेके तो रखा हुआ है, मैंने अभी तक इसको खेला नहीं है। कहा जाता है कि इसके ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डेफिनेटली इसको भी यार मैं मुझे टाइम मिलेगा तो एंड करूंगा। अब आ जाती है जी फीफा, आप लोग अगर आपस में कंपटीशन करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हो, स्पेशली रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का जो कंपटीशन होता है फीफा में वो बड़ा कमाल का होता है। आप फुटबॉल लवर हो तो आपको पता ही होगा रोनाल्डो वर्सेस मेसी की क्या लेवल की बैटल होती है फुटबॉल ग्राउंड में। तो ये करनी है आपके लिए फीफा। अब मेरे पास 18 है, अभी तो फीफा 23 भी आ गई है, बट 18 भी ठीक ही है अगर आप किसी के साथ कंपटीशन करना चाहते हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ग्राफिक्स का चेंज नहीं आता। तो यार ये थी मेरी गेम्स की कलेक्शन, ये सारी गेम्स आपको मैंने दिखा दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी हैं। डेफिनेटली जो जेल ब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये एक्साइटिंग तो नहीं होगा, लेकिन यार उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शायद आपकी राय के अकॉर्डिंग मैं गिव अवे करूं। तो जो लोग जेल ब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं उन सब लोगों को ये मैंने DVDs दे देनी है अगर मेरा मूड बन गया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपने PC के ऊपर भी गेम्स दिखाऊंगा। और हाँ यार ये तो रह ही गया, आपको मैंने दिखाना था कि मेरे पास जो ये तो गेम्स हैं ये ऑलमोस्ट 16-17 गेम्स बनती हैं। इसके अलावा मेरे पास गॉड ऑफ वार है जी, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वार है, इसमें द लास्ट ऑफ अस रिमास्टर्ड, भाई बेहतरीन गेम है, स्टोरी लेवल की है, ग्रेट फादर है इसमें आपको नजर आता है, उसकी एक बच्ची होती है तो स्टोरी कमाल की है। इसके बाद है जी हमारे पास टेकन 7, आप कंपटीशन करना चाहते हो किसी के साथ स्पेशली फाइटिंग गेम में तो इससे अच्छी गेम टेकन 7 से अच्छी गेम नहीं आई। इसका जो सक्सेसर होने वाला है वो है टेकन 8, वो ही इसको कहीं ना कहीं बीट करेगी, इसके अलावा इसको बीट नहीं किया जा सकता। तो यार आपने बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी गेम्स की कलेक्शन कैसी लगी। और एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की गेम्स की कलेक्शन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग मुझे अपनी वीडियो सेंड कर सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। मैं अपने चैनल के ऊपर आपके गेमिंग सेटअप की वीडियो भी लगाया करूँगा, आपकी गेम्स की कलेक्शन की वीडियो भी लगाया करूँगा। तो मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट होने वाला है। आपने करना क्या है, आपने करना है जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो यार लाइक, और हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो। मिलूंगा आपसे इसी तरह एक्साइटिंग से कोई नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट जैद कुरैशी को दीजिए इजाज़त, टेक केयर।